सो दोस्तों, अगर आप जुड़े रहना चाहते हो हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर की न्यूज़ हो या फिर स्मार्टफोन अपडेट्स की हो, तो दोस्तों आपको जानना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक बेल आइकन, उसको भी प्रेस करना होगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में मिल जाए, ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आप गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यार, लोकेशन थोड़ी सी बढ़िया लग रही होगी आज, और मैं थोड़ा सा सोचा यार आज बाहर शूट कर लेते हैं, और वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यार बहुत मुझे कमेंट आ रहे थे कि बैटरी मेरी जल्दी चार्ज नहीं हो रही है, और किसी भी मोबाइल को हम फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हमारा जो फ़ोन है वो पहले जल्दी चार्ज हो जाता था लेकिन अब नहीं चार्ज हो रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं बताने वाला हूँ, कुछ यहाँ पर कुछ टिप्स दूंगा आपको, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन को थोड़ा सा फास्ट चार्ज कर पाओगे, या स्मार्टफोन नहीं भी है, कोई सा भी फ़ोन है, आप उसको चार्ज थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कर पाओगे। तो जाने की इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं स्मार्टफोन को चार्ज करने की, तो यार देखो, स्मार्टफोन को चार्ज करना, जो भी आप स्मार्टफोन खरीदते हो और उसके साथ जो भी आपको बॉक्स मिलता है, उसके साथ जो चार्जर मिलता है, वही अगर आप यूज़ करते हो तो आपका ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जो भी आपका कितने वोल्ट का भी यहाँ पर चार्जर, या जितनी भी यहाँ पर आपका जो भी चार्जर आपको मिलता है, आप वही यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ पर किसी फास्ट चार्जिंग वाला जो मोबाइल जो सपोर्ट करता है उसका चार्जर अगर इसमें यूज़ करूँगा तो शायद मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फ़ोन उतनी ही पावर लेता है जितनी उसको चार्ज करने के लिए चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सॉकेट में घुसोगे तो वो चार्ज होने लगेगा, तो वो अपना यहाँ पर जितनी पावर उसको नेसेसरी होती है चार्ज होने के लिए वो उतनी ही लेता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं टिप की, तो टिप्स ये है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप, भाई साहब हॉर्न बजा रहा है बहुत तेज, तो पहली टिप यहाँ पर जो ये निकल के आती है कि अगर आप चार्ज करना चाहते हो अपने फ़ोन को यहाँ पर तेज, और आपका जैसे पहले फ़ोन चार्ज होता था अगर वैसे ही करना चाहते हो, तो पहली टिप ये है कि आप अपने फ़ोन को जो जब भी चार्ज करने के लिए रखें तो एयरप्लेन मोड में यहाँ पर उसको डाल दें, एयरप्लेन मोड में यहाँ पर उसको डाल के चार्ज करें। दूसरी टिप ये है कि आप अपने फ़ोन को हो सके तो उसका जो नेट है उसको भी ऑफ़ कर दें। तीसरी टिप ये है कि आप ऐसा हो सके तो यहाँ पर, मैं नेट ऑफ़ करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे ही रख दोगे चार्जिंग के लिए, नेट ऑन रहेगा तो बार बार फेसबुक के यहाँ पर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, बाकी वो सब आता रहेगा, इंस्टाग्राम पे यहाँ पर स्टोरीज के नोटिफिकेशन, ये सब आते रहेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपका जो बैटरी है वो जाती रहेगी। तो नेट ऑफ़ कर दीजिए और उसके बाद एयरप्लेन मोड भी लगा लीजिए, मैंने बता दिया आपको। और हो सके तो आप कुछ ना करिए, फ़ोन को सीधे स्विच ऑफ करके यहाँ पर चार्ज भी कर सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं यार ये तो मामले बता रहा है, कुछ इसमें कुछ नया क्या बता रहा है भाई, कुछ नया तो तू बता नहीं रहा, सब पुराने बता रहा है। तो नया ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पर ये कमेंट करते हैं कि फ़ोन हमारा फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है, मैंने ये सब ट्रिक कर ली जो आप बता रहे हो, ये सब एयरप्लेन मोड पर डाल के नेट ऑफ़ करके और स्विच ऑफ करके भी यहाँ पर चार्ज किया। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि आप यार सब कुछ करने के बाद एक बार ये देख लो कि आपका जो चार्जर है, मतलब जो एडाप्टर के साथ जो यूएसबी कनेक्ट होता है, यूएसबी मतलब आपका जो केबल होता है जिससे आप चार्जिंग से कनेक्ट करके मोबाइल को कनेक्ट करते हो, तो उसको आप केबल को देख लो, अगर केबल में कुछ दिक्कत होती है तब भी फ़ोन स्लो चार्ज होने लगता है। तो आप एक नया केबल ले लो और एक अच्छी कंपनी का ले लो केबल, और आप एक केबल को यहाँ पर कनेक्ट करके देखो, उससे डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा। हालांकि अगर मोबाइल की बैटरी की इंटरनल कोई प्रॉब्लम होगी तब तो ये सॉल्व नहीं होने वाला, लेकिन तब भी यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्या किसी भी स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। जितना मोबाइल की कैपेबिलिटी होगी, जितनी की बैटरी की क्षमता होगी, जितना मोबाइल चार्ज करने की उसकी लेने की यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने की क्षमता होगी, उतना ही बैटरी यहाँ पर चार्ज हो सकती है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी भी स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज कर दूँ यार, कि एक घंटा चार्ज होने में लगता है, लाओ मैं 10 ही मिनट में निपटा देता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। हालांकि मैंने जो टिप्स बताई वो ज़रूर आपके काम आएंगी, और हो सके तो यहाँ पर जो भी टिप्स मैंने बताई उसको फॉलो करिए। और एक बार अगर आपका फास्ट चार्ज, या आपका चार्जिंग बहुत स्लो हो गई है, बहुत धीरे चार्ज होने लगा है, तो एक बार यहाँ पर ट्राई कर सकते हो जो आपका जो यूएसबी केबल है उसको चेंज करके न्यू यूएसबी केबल लेके। और बस यही है, कुछ टिप्स है। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर मुझसे कोई यहाँ पर कुछ टिप मिस हो गई हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि भाई ये तूने नहीं बताया। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल को, क्योंकि मैं इसमें रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए नहीं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।